Krishna, Krishna, Hare, Hare Krishna.
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवशात् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ मिलजुल के मन को एकाग्र करें और यहां आने का यथामति यथाशक्ति पूरा लाभ उठाने की चेष्टा करें। प्रसंग है अपने दैनिक जीवन में सुख दुख की समस्या चला रहे, मेरे प्रभु हाजिर हूं, शक्ति दिए जा रही है और प्रकाश डाल रहा हूं। हमने ये बात तो भली प्रकार अपने मन में रख ली कि सुख की परिभाषा है मन का टिका रहना, क्योंकि सुख महसूस करने वाला हमारा फीलिंग फैक्टर मेरी देवियों मेरे सज्जनों मन है। और कोई भी शरीर का अंदर और बाहर का अंग सुख महसूस दुख महसूस नहीं करता, किसी का धर्म है। आंखें केवल देखती हैं, लेकिन ये बोलने वाली बात है, देखता मन है। हम कितने कान सुनते हैं गलत, कान में अगर मन न बैठा हो तो कान अपने आप में नहीं सुनते। ये सारी क्रियाएं मन करता है, आपका मन ना करे तो कितने ही कुछ क्यों ना गली मोहल्ले में हो रहा है कुछ भी नहीं सुनेंगे आप, कुछ भी नहीं करेंगे आप। तो हमारे जो कर्ता है वो मन है, ये आप मन में बिठा लिया आपने, और दुख भी यही महसूस करता है। महापुरुषों ने हमारे पर देवी सज्जनों बड़ा भला किया जो अपने तप द्वारा ये बता दिया कि मन को टिकाओ सुख पाओ। इतने कह के नहीं चुप हो गए, बड़ी भारी समस्या है ये तो हमारी बात हल हो गई कि मन को टिकाओ सुख पाओ, लेकिन बड़ी भारी समस्या है टीके कैसे। ये तो ठीक है कि मन टीका रहे सुख पाएंगे, लेकिन टीके कैसी, क्यों मन ने स्वभाव बना लिया है कि अपने अनुकूल अपने मुताबिक अपनी स्वीट विल के अनुसार अपनी प्रियता के अनुसार अगर बातें बने तब ये शांत होता है। इसके मुताबिक परिवार में हो, इसके मुताबिक हमारे अपने शरीर में हो, इसके मुताबिक समाज में हो, जहां ये मन आता जाता बैठता काम करता है सारे इसके मुताबिक हो। बस यही बड़े अफसोस की बात है कि ये हमने इसको ट्रेनिंग नहीं दी, ये कितनी भूल है। आप तो दाना है, आपकी बुद्धि मेरे भगवान खोलते जा रहे हैं, ध्यान देना सारे कैसे अनुकूल हो, और अगर सारे अनुकूल हो तो हर रोज कैसे अनुकूल रह सकते हैं। हम दूर नहीं जाएंगे, अपने परिवार में भी मन को बैठ के समझाया करो, समाज से काफी टाइम निकाल के आप लोग एकांत में बैठो और समझाओ कि मन तू ही बता, अपने घर की सगी माँ है हमेशा हमारे अनुकूल नहीं रह सकती, उसका पति भी तो है, हाँ उसकी धिया भी तो है, पुत्र और भी तो है,
सिर्फ उसने एक जाग के तो फुल स्टॉप नहीं लगा दिया है, या तो मां को पंक्चुएशन पढ़ाया होता के बाद एक के बाद बिग फुल स्टॉप, पर उन्हें तो कामे लगाए, कोना लगाए, सेमी कोने लगाए, डैशे लगाई, फुल स्टॉप तो बड़ी देर के बाद लगा है। और भी तो है ना, मां हमारे अनुकूल हमेशा कैसे रहे। एक बात ध्यान दे रहे थे, हम समझाई बैठे आप समझा लो, और कोई तरीका नहीं है अपने मन को शांत रखने का। आप पिताजी हो, उनके भी कितने जिम्मेवारी है, उन्हें तो बाहर जाना है, कमाना है, कहीं के साथ व्यवहार रखना, वो हमेशा हमारे अनुकूल कैसे रहे। समझाओ इस मूर्ख नालायक और अपनी शांति के आप ही बने हुए दुश्मन को, मन को समझाइए, ये अपनी शांति का आप दुश्मन है, चाहता है मेरे अनुकूल रहे सारे, अकॉर्डिंग टू माई फेवर, अकॉर्डिंग टू माई स्वीट विल, इट इज इंटायरली इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ये तो माता पिता हमारे बिल्कुल नियरेस्ट डियरेस्ट या निकटतम प्रियतम रिश्ता है, नहीं रह सकते। चलो जी नजदीक आ जाओ, व्यास जी कहती है अपना शरीर अपने अनुकूल नहीं रह सकता है। इतने भगवान ने अंग बनाए थे और एक एक अंग की कम से कम दर्जन दर्जन बीमारियां हैं, मैं कम से कम कह रहा हूं मेरी देवियों, एक एक आंखों की दर्जन बीमारियां, कानों की दर्जन बीमारियां, नाक की अनेक बीमारियां, मुंह की अनेक बीमारियां, हाथों की अनेक बीमारियां। कोई इसका जवाब ऋषियों को नहीं मिला कि भगवान जब आपने खुद प्यार से अपनी इच्छा से सृष्टि बनाई, इतने रोग क्यों बना दिए। कोई जवाब नहीं मेरे सज्जनों मेरी देवियों, इतने प्यार से बना के, अब इसका कोई जवाब नहीं। सर्पनी खुद बच्चे देती है, खुद बच्चों खा जाती है, हाय सताई की बात कह रहा हूं, जो दो तीन बच्चे उसकी पूंछ के पास लिपटे रहते हैं वो बच जाते हैं, बाकी सब खा जाती है। उसको इतनी जोर की भूख लगती है वो बाहर निकल नहीं सकती, अपने बच्चों को चबा जाती। कितनी हैरानगी की बात, भी अपने बच्चों को खाना था तो बनाए क्यों, कोई जवाब नहीं। कुतिया अपने बच्चों को खा जाती है, एक ऐसी लहर उठती है उसके अंदर है, अगर वो लहर रब कंट्रोल ना करे तो अपने बच्चों को चबा जाएगी। इसका कोई जवाब नहीं। इसने रब ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बड़े प्यार से शरीर बनाया और मां बिचारी को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया। जितनी भी मादा है 84 लाख योनि की, जितने भी मादा है बच्चे, हाँ जितने भी उनके जो नर और मादा दो होते हैं ना, तो मादा बिचारी को बड़ा कष्ट करके अंदर पेट में बच्चा बनाना पड़ता, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, फिर इतने रोग इस शरीर पर, कोई जवाब नहीं इसका। ये तो मैं शरीर के कह रहा हूं, अंदर चार है, बुद्धि मन चित्त अहंकार, 10 अंग तो बाहर के हैं, इनके कितने रोग। अब बुद्धि का काम निर्णय करना, निर्णय नहीं करती, क्या निर्णय करना है बुद्धि को पता ही नहीं। नीचे उतरो मन, मन का काम है सोचना विचारना, क्या सोचना पता ही कोई नहीं। चित्त का काम है चित्त करना, पुरानी बातें रिक्रैक करना, जो गुजरी बातें हैं, चित्त का काम चित्त और मन एक नहीं जे, मन वर्तमान के बारे में सोचता है भविष्य के बारे में, कितना गहराई में गए हमारे महर्षि। मन का फंक्शन क्या है, वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए, फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये मन का काम है। गुजरी बातें याद करने का काम चित्त, कैसे के नाम ही रखा गया चित्त, जिसको आप पंजाबी बोलते चेते कर चेते कर, चेते को पंजाबी शब्द नहीं संस्कृत का शब्द है। अच्छा चित करना रिकलेक्ट करना है, गुजरी बात को याद करना, ये चित का फंक्शन है। आगे अहंकार, अहंकार मैं पाना, मैं नर हूं या नारी, नहीं तो काम ही नहीं चलता अगर ये ना हो तो, पर मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरे माँ बाप कौन है, ये होता अहम पाना। मैंने कुछ पढ़ना भी है कि नहीं, मैंने कुछ कमाना भी तो है, मैंने शादी कर ली है, मेरी पत्नी है, मैंने इतने खर्चे बढ़े, ये अहम पाना का काम, ईगो। कई ऐसे नलायक और बदकिस्मत होते हैं कि अपनी ईगो को अपने अहमपना को बहुत बढ़ा लेती हैं, उन्हें हम कहते हैं अहंकारिया सो मारिया, बड़ा उनमें अहंकार बढ़ जाता है। वरना ये थोड़ा सा तो रहने चाहिए, तुम्हें यही ना पता लगा मैं नारी हूं कि नर, बस फिर तो जिंदगी कट गई, या मैंने कुछ करना है रोटी पकानी है बाथरूम में जाना है ये करना फिर गया, ये कुछ चाहिए, इतना अहमपना चाहिए जो हमें दुख ना दे। लेकिन ये अहमपना आपको खराब नहीं करेगा अगर भक्ति में आ गए। सारे कहते हैं बड़ी मोटी रस्सी हो तो मारेगी भी आपको और बांध भी लेगी, अगर रस्सी को सार दो तो बांध तो नजर आएगा पर अब उसमें बांधने की ताकत नहीं। आय बड़ा सा विस्तार दिया महापुरुष ने,
रस्सी को साड़ दीजिए तो बाल तो नजर आएगा, टेढ़ी मेढ़ी तो नजर आएगी, लेकिन सरी पड़ी है ये, इसमें बांधने की ताकत नहीं। इस तरह जिसका ईगो भक्ति में सड़ गया है वो व्यवहार तो करेगा लेकिन उस अहम पाना में बांधने की ताकत नहीं रहती, जकड़ने की ताकत नहीं रहती। ओ सजनो, ओ मेरी कल्याणकामी देवी, ओ सुनो भगवान की बहुत ही मीठी और बहुत कल्याणकारी बातें। इसके बिना तो हम पढ़े लिखे बुद्धू 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 बिल्कुल बुद्धू, किसी काम के नहीं। अगर भगवान का ज्ञान हमारे साथ हो, अभी आप रियलाइज कर रहे हैं कई दिनों से, अगर ये ज्ञान हमारे साथ हो तो हम किसी काम के पढ़े लिखे एजुकेटेड फूड, क्योंकि हमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ कमाने का ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान भी तो चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान। हाँ, व्यवहारिक ज्ञान हमारे पास नहीं है, क्रियात्मक ज्ञान हमारे पास नहीं है, वो भगवान जी दे रहे हैं। इसके बिना तो इंसान हमने देख लिया किसी काम का ही नहीं, बल्कि अपना, जैसे भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक है, वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर्व। भगवान के ज्ञान के बिना हम अपने जो कुछ भी निर्णय लेंगे, जो विचार करेंगे, जो कर्म करेंगे, हम अपने साथ वैर कमाएंगे, जो उसका परिणाम बहुत दुख होगा। जैसे आज हम जमाने में देख रहे हैं, अपनी दूसरी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो यही हाल था, अपने इरादों से दुखी, अपने विचारों से दुखी, अपनी क्रियाओं से महादुखी, ऐसे अशुभ इरादे किए, ऐसे अशुभ, लेकिन हमें पता ही नहीं था, ऐसे अशुभ विचार किए, ऐसी अशुभ क्रियाएं की, अशुभ संगत की, हाय मेरे रब्बा, ऐसी अशुभ सिनेमा में गए, अशुभ खाते पीते रहे, उसका परिणाम तो दुख होना था पर पता ही नहीं था। अब भी कभी पुरानी बातें याद आती हैं, पुराने दोस्त याद आते हैं, पुराने अपने लक्षण याद आते हैं तो रोना आता कि हमने किया क्या, पश्चाताप होता है कि अपनी अनमोल जिंदगी को तबाह कर डाला। पर पीछे से आवाज आ जाती है, सालों की सदस्य अभी नहीं होए, सालों की सदस्य अभी नहीं होए, सालों की सदस्य अभी नहीं हो। किसने बताया कि यही एक मन में अरमान आता है कुछ समझा, क्योंकि इंसान के लिए भगवान ने बनाया क्या, बताया क्या है, जब तक इसको समझाया ना जाएगा इसकी बुद्धि के अवर नहीं उतरते हैं। माफ कर रहे मेरी बेटी, तो मेरी बेटी मैं आपका दादा, जब तक जब पैदा करती तो मां बनने लगती है, कोई ना कोई बीच में ना होगा, तेरी और तेरे बच्चे की मौत है, कोई ना कोई बीच में होना चाहिए है। जब आप मां बनने जा रही होती है या आपने बच्चे को पैदा किया, किसी ने नारा काटना, सफाई करनी और बड़े टंटे करने, उस वक्त आप बिल्कुल आप नॉर्मल होती हैं, आपको संभालना, बच्चे को संभालना, हर बार कोई ना कोई बीच में दाई चाहिए, कोई ना कोई मिड वाइफ चाहिए। हाँ, इसी तरह रब ने ये नियम बनाया है कि इंसान को जगाने के लिए कोई चाहिए। अब रब देख रहा है या तो ऐसे अनुभवी महात्मा चारों ओर हो जाए, वो भगवान खींचते जा रहे हैं, अनुभव नहीं करते, चार पांच किताबें पढ़ ली, शास्त्र पढ़ ली, गुरु बन जाते फौरन, आपको तो पता ही कुछ नहीं उनके अंदर अवस्था क्या है। आजकल बस यही है, चक चार कर मैं पढ़ के गुरुदेव बन गए, फौरन चार पांच चेले चाट के साथ हो गई, वो अनुभव गुण गाने जाती है, हमें पता ही कुछ, वो अनुभव करना है, अपने अंदर गूता मारना, मेडिटेट करना, संस्कारों को मिटाना, परमात्मा की कसम आजकल वो महात्मा लोग, महात्मा कहूं ये साधु को नहीं करते, इतना तल्लीन नहीं होते। ये मैं जो रब ने मुझे अनुभव करवाया, जो मैं उनका हाल देख रहा हूं, नहीं करते, नहीं रगड़ते अपने आप को। अब जब तक मेहंदी को रगड़ा ना जाए रंग नहीं चढ़ेगा, जब तक वो अपनी मन बुद्धि को रगड़ेगा नहीं, ना अपने पर रंग चढ़ेगा ना दूसरे पर रंग चढ़ेगा। ये प्राकृतिक बात है, मैं कहता हूं बट नेचुरल। ओ मेरी देवी, ओ मेरे सज्जनों, भगवान की बड़ी कृपा जिन्होंने हमें लोक परलोक दोनों सुधारने बनाने का ज्ञान दे दिया। गीता क्या ज्ञान क्या है, जिससे लोक बन जाता है, परलोक बन जाता है। लोक बन जाने का मतलब क्या होता है बाबा, लोक बन जाने का जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, सुनो ना, जो हमने समझ ली है कि मेरी जिम्मेवारियां, ये मेरी माँ जी है, ये मेरे पिता जी है, मेरी बहन है, मेरे भाई है, ये मेरी पत्नी, मेरे पतिदेव है, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेवारियां, चाहे हम कल युग में जिम्मेवारियां रज के ख्वारियां, क्यों बाबा ऐसा क्यों बोलता है, ऐसी मेरी पर जरा करो,
ऐसे मेरे पर प्रश्न प्रति प्रश्न करो। जिम्मेवारियां क्यों खुआ रही है? इसलिए कि मुथाजियां हैं। जिम्मेवारियों को दूर करने के लिए अनेकों की सहायता लेनी पड़ती है और अनेक क्या है, रज के स्वार्थी, रज के रजोगुणी। ध्यान देना, मैं एक एक बात गीता के आधार पर बोल रहा हूं। जिम्मेवारियां खुआरियों को, मां की सेवा कोई करना कोई बीमारी है नहीं, बड़ी अच्छी पुण्य है। ये तो पिताजी की सेवा, बहन की, भाई की, अपनी पत्नी को हम शादी करके बरात लेके गए हैं और अपने शर्म का सेरा, शर्मी का सेरा ऊपर चढ़ा के गए हैं, सारा कुछ किया हमने, इतनी बरात, इतना जिम्मे, सारी कुछ, फिर इनकी सेवा करना क्यों नहीं? अपने आप तो आप गई नहीं कि मिन्ट बुलाया तो आप नहीं गए, वो इतनी बरात लेके आया, मिनते समाजते की चलना मेरे खाना शादी कर मत मत गए। तो फिर बात क्या है, जिम्मेवारी खुआरी क्यों हो गई? अनेकों के साथ व्यवस्था हो गई है कलयुग में, वी आर अटैच विद सो मैनी। आप पिताजी की जिम्मेवारी करनी है, अब आपको मरना पड़ता है अनेकों के साथ, या तो ना यू आर ओनली इंटरेस्टेड विद ईच अदर, आप और आपकी पत्नी बस, या आपका पति देव, कहां पति देव की आगे जिम्मेवारियां, वो आपके साथ कनेक्टेड। फिर आप घंटे डाल लेती हो, बार बार कहती हूं मुझे घर ले चलो, फिर मुझे माँ याद है, मुझे बाप याद आए, मुझे भाभी याद आ रही, मुझे भाई याद आ रहा है। एक इंसान का मूल्य कुतरा हो जाता है, मेरी कुछ बेटी बार 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 उनको ये करवाना, फिर आपकी वासनाएं, आपकी कामनाएं, मुझे भी साड़ी ले दो, चूंकि आप में धार्मिकता होती नहीं है, आपकी वृत्ति बार मुखी है, आपका दिल करता है नीली साड़ी मेरी भी हो, फलानी मेरे भी हो, ऊपर मेरे भी तोते चिड़िया निकली हो, मेरा भी फलानी चीज हो, तो देर आर सो मेनी वॉन्ट्स इन यू, डिमांड इन यू। मरता है वो बेचारा, चूंकि उसके शरीर का प्यार है आपके साथ, इसलिए जिम्मेवारियां क्या हो गई, ख्वारियां। मैं फिर कहूंगा, जिम्मेवारी ख्वारी कब बनती है? जब अनेक के साथ हमें वास्ता पड़े है, अनेक के साथ मिलते समाजते करके वो पूरी करनी पड़े, मतलब जिम्मेवारी कोई ख्वारी नहीं। एक जिम्मेवारी पूरी करने के लिए आपको बहुत बच्चा पढ़ाना है, बड़ी अच्छी बात है, पर बच्चे पढ़ाने में मेरे रब्बा हुए, फलाना सूट चाहिए, फलाने फलाने किताबें चाहिए, ट्यूशन चाहिए, ये जो टंटे वहां पर ये चाहिए, फिर वो माँ दी धी लिख के भेज छोड़ती है, इसकी माँ मुझे आके मिले, फिर जाके मिलती हो, ये बच्चा काम नहीं करता, ये कमजोर होता जा रहा है, कल इसने पेंसिल मार दी पास से बैठे लड़कों को, इसको समझाओ वरना स्कूल से निकाल दो, ये आपको बर्बाद करेगी बात, ये आपको खराब करेगी। बच्चा नहीं खराब कर रहा, आगे जिम्मेवारी है जो है, जिम्मेवारी ये बर्बाद करती है, जिम्मेवारियां ख्वारियां, ये वृत्ति इंसान को बार मुख ले जाती है, वरना जिम्मेवारी आई बिलीव से लाइबिलिटीज, बड़ी अच्छी बात है, पर ये जो डिपेंडेंट डिपेंड करना पड़ता है ना दूसरा पर, विशाल जी ने कितना अच्छा कहा, कुबेर भी आए और इस छोटी सी क्या 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 चौपाई की कीमत नहीं दे सकता, प्राधीन सपने सुख नाच। कल युग में प्राधीनता बहुत होती है, इसलिए आप जलील हो जाती है, चाहे आपके पास लाखों रुपया हो, चाहे पत्नी अनुकूल, पति अनुकूल, बच्चे सारे आगे चल कर प्राधीनता, आप इसे कोई उठ खड़ा हो, कितनी प्राधीनता है कल युग में, सिर्फ एक पिताजी को खुश करने के लिए कितनी प्राधीनता, एक शरीर को ठीक रखने के लिए कितनी प्राधीनता, सिर्फ टू कीप इट फिट, टू कीप इट फिट, कितनी प्राधीनता, या तो ये कीपिंग इट फिट मेरे अपने हाथ में होता, आपके शरीर को कीप इट फिट आपके अपने हाथ में होता, कहां मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना, मुझे ललित डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे कोई गड़बड़ नजर आ रही है, लो अब मरना पड़ेगा आप बेचारे को, हाय काफी बीमारियां आपकी अपनी मूर्खता से है, इंसान को पता ही कोई नहीं हाउ टू लिव, अपनी मैंने पत्नियां कैसे प्रयोग करना है, पति देवा कैसे प्रयोग करना है, पता ही कोई नहीं। अच्छा ये तो शरीर की है, आगे मन की कितनी ख्वारियां, मन की डिमांड्स वांट्स ये और बर्बाद करती है मन की। सजनों में क्या बोलूं, डर जाओगे, बिना भगवान के ज्ञान के तो तन भी खराब करता है हमें, मन भी खराब करता है, चित्त भी खराब करता है। बाबा चित्त क्यों, पुराने गड़े उखेड़ बैठेगा, फलाने मुझे ये कहा था, फलाने के लिए मैंने इतना कुछ किया, फिर भी जिठानी ने मेरे ये किया, मैंने ये बनाया, पुरानी बातें होए, कब किया था 1994 जा रहा है ना, 1993 के सितंबर की बात है, और फिर तेरे रब्बा होए
वो दिन इतने गुजर गए, लेकर वो सियाने कहती जख्म तलवार का फट मिल जाता है पर जबान का फट नहीं मिलता। हाय सियाने की बातें सुनो, किसने तलवार मारी हो तो 15 दिन महीने के बाद फट मिल जाएगा, लेकिन किसी ने जबान से बोली कसी हो, तेरे बाप ने मेरे साथ धोखा किया, बताया कुछ था और दिया कुछ भी नहीं, बाप ये शब्द तुझे खाते रहेंगे, अब ये शब्द मन में हर तरह मचाते रहेंगे, ऐसे मुझे थाली ने क्यों कहा। हालांकि सच्ची बात थी कि बाप के आपने बढ़ा चला के बातें कर गया था, हम तो दहेज में ये देना चाहते हैं, पर दिया कुछ नहीं, दिया बहुत थोड़ा। कई इस तरह जुल्म करते अपनी लड़कियों के साथ, जो पहले सच बात दिखा जाते हैं लड़के वालों को, इतना चौथा हिस्सा भी नहीं दे सकते, लड़की सारी जिंदगी तबाह होती रहेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, हम खुद ही अपने भविष्य को गंदा करते, हमें पता ही कोई नहीं, यही चिंताएं खा जाती। वानग्रस्त आश्रम को उत्तम माना जाता है, सारे आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम में, वानप्रस्थ में, ग्रस्त अपने संन्यास आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम दी बेस्ट सुप्रीम। पर पता भी तो हो ना हाउ टू लिव, ये कला पता तो हो ना, शरीर में रहने की भी कला है, आपको आयुर्वेदिक बताता है, मन को कंट्रोल करने की भी कला, चित्त को कंट्रोल करने की भी कला, बुद्धि में निर्णय रखने की भी कला, परलोक बनाने की भी कला, कर्म करने की भी कला, अमल में हुनर हो तो ये सारी कलाएं गई, जो हमें बाहर सिखाई जानी चाहिए पर कोई सिखाता ही कोई नहीं। भगवान कहते जब तो कोई सिखाएगा नहीं, जैसे मेरे का जब तक दाई नहीं होगी आप मां नहीं बन सकती, डेथ हो जाएगी बेटे की भी मां की भी। हाँ इस तरह जब तक कोई पहुंचा हुआ सिखाएगा नहीं बात बनने वाले को कौन बताता आपको, किसने बताया बुद्धि के बारे में, मन के बारे में, चित्त के बारे में, बड़ी खुशी से रहने के बारे में, परलोक बनाने के बारे में, कौन बता? और सारा ज्ञान गीता जी के अंदर, इसको दीमक खा जाते हैं गीता को, कीड़े खा जाते हैं गीता को, हाय मेरे रब्बा, वो वाइट आंट जिसे आप बोलते हैं कि सारे खा जाते हैं इसको, लेकिन जो इंसान ने इसे समझना था ये कौन समझाता है, ना ब्राह्मण समझाते हैं, ना हमें समझाया जाता, कुछ भी नहीं समझाते, ये बेचारी गीता क्या रही, पन्नों में रह गई, वर्कों में रह गई, स्याहियों में रह गई, कीड़ों में रह गई, मकौड़ों में रह गई, या विल चढ़ जाती है, हाँ कितनी विल चढ़ जाती है, खराब हो जाती है, शाबाश, या चूहे कुतर जाते हैं, तो कितना मुश्किल होता है बच्ची। ये तो भगवान की बड़ी मेरी और आपकी कृपा हो रही है जो हम गीता में छिपे हुए ज्ञान को निकाल रहे हैं, छिपा हुआ ज्ञान है मेरे बच्चे। मुझे गीता समझाती बार पढ़ती बार वो याद आती है बचपन में जो पढ़ी थी, क्या अली बाबा और 40 चोर, उनके पास से एक वो दरख्त पे चढ़ जाती थी और दरख्त 3-4 इकट्ठे सगड़े दरख्त थे, हाँ और ऊपर वो चढ़ जाना, हाँ ऊपर जाके वो बोलते थे खोल सम सम, तो वहां से खजाना प्रकट हो जाता था, सारे चोर 40 अंदर चले जाते थे और बड़ा बीच में माल निकाल के लाते थे। अच्छा इसी तरह बड़ी बिचोरी कहानी, गीता में तो बड़ा भारी, किसका ज्ञान का, बुद्धि का, परलोक का, लोक का, बड़ा भारी खजाना है। उधर मंत्र था अली बाबा 40 में खोल सम सम, इधर मंत्र है भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञान, वो श्रद्धा किसी में होती नहीं पता ही नहीं, वरना तो दोनों जहां हमारे सुधर जाती है, लोक भी परलोक भी, लोक की जिम्मेवारियां बड़ी हंस हंस के गुजार देती हैं। लोक सुधरने का मतलब जिम्मेवारियां कम बना लेना, गीता का ज्ञान हो जाए तो जिम्मेवारियां घटती जाए, कुछ भगवान घटाते हैं कुछ हमारा ज्ञान और वैराग घटा देता, जिम्मेवारी और भी कम और भी कम और भी कम, आजकल जिम्मेवारियां रज के खुआरियां, जिम्मेवारियां रज के खुआरियां, मोर दी लाइबिलिटीज, मोर दी सारो, मोर दी मिजरीज, क्योंकि मैंने अभी भी कहा हमें, हम डिपेंड करते हैं दूसरों पर, हमें भरोसा करना पड़ता दूसरों के, दूसरों की ओर तकना पड़ता, ये ऐसा करे ना फलानी ऐसे, इसी जिम्मेवारी खुआरी हो रही है, वरना अगर गीता जी के अनुसार रह जाए जिम्मेवारियां मोस्ट लिमिटेड हो जाती है, बिल्कुल कम, न्यूनतम न्यूनतम कम से कम, शाबाश। और परलोक तो आप देख ही नहीं, परलोक भी बनता जाता है, क्योंकि बुद्धि में इरादा
भक्ति का हो जाता है, मन में विचार भगवान के उठती हैं, और कर्म जो भी करती हैं शुभ कर्म करती हैं भगवान को सामने रख के शुभ कर्म। अब वो काम करने वाले वो लोभ वाले अहंकार वाले लड़ाई झगड़े वाले कर्म नहीं होते, कर्म शुभ होते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? शुभ कर्म अंतःकरण निर्मल हो जाता है। शुभ कर्म करने से अंतःकरण निर्मल होता है। जैसे हाथ में साबुन लगाने और पानी लगाने से दोनों हाथ निर्मल हो जाते हैं। हाँ, इस तरह भगवान की वाणी से या भगवान के अनुसार कर्म करने से हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण निर्मल, अंतःकरण सफा हो जाता है। याद रखना, अगर कर्म भगवान जी के अनुसार किया जाए, जैसे भगवान ने कहा फकत मेरी खातर तू, हाँ भगवान को बीच में रख के कर्म करेंगे। अच्छा बाबा, हम भगवान को बीच में रख के नहीं कर्म करते, हम वैसे कर्म करेंगे तो काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। पूरी कोशिश करो ना बढ़े, जरूर बढ़ेगा। ये आपको भगवान कह रही है, अमर जिस कदर भी यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे। क्या दुनिया बनाई रब ने और क्या इंसान बनाया, यहां के मेरा मन डूब जाता है। कितने बंधन है मेरी भगवती, आंखों में नजर आ रही है, कोई कल्पना थोड़ी है। भगवान को ज्ञान करो ने फिर में काम उठेगा, आदमी चाहिए तुझे और चाहिए फिर आपको, फिर ये गंदी वृत्ति में तृप्ति कोई नहीं। क्या आदमी तृप्त हो जाए, तृप्ति भी कोई नहीं। फिर बाधा बनेगी, क्रोध उठेगा, फिर क्रोध आपको सारेगा। क्रोध जहां उठता है वही आग लगाता है, क्रोध जहां भी उठेगा ना उसको आग लगाएगा। फिर कामना उठी तो कामना पूरी नहीं होनी, लोभ बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा। फिर कामना जो पूरी होगी उनके साथ मोह आए, मेरे रब्बा आए, मर जाए बुरी तरह इंसान। तो भगवान कहती है अगर मेरे उपदेश के को छोड़कर कर्म करेगा तो क्या बंधन, अमल जिसके दर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को। अब किसी को पता है कि वो दुनिया को बंधन में रखे? ये किसी को बताया जाए, समझाया जाए, उसकी शंकाओं को दूर किया जाए। ना केवल बताया समझाया जाए, मनाया जाए, ना केवल मनाया जाए बल्कि उस द्वारा अपनाया जाए। रब्बा वही रब्बा, तब जाके बंधन से हम छूट जाते। वरना मेरी बेटी मेरे सज्जनों, बंधन से छूटना यही बंधन, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के सिर्फ सही न समझने के कारण से हम कर्म अपनी वासना से करते हैं, फंसो गए पूरी तरह, नर नारी फंस रहे हैं बुरी तरह। छुटकारा कोई नहीं, लोग मरने के देने जाते 80 साल की उम्र 50 साल की उम्र, क्रोध भड़का पड़ा है। देखो मरने वाले हो चुके हैं, क्रोध भड़क रहा है, मरने वाले हो रही है, खाने का चस्का है, हाथ कांप रही है, पैर कांप रही है। कितना मेरे मन में रोना आ जाता है कि मरने के दिन है। या कुछ कुछ मैं गौर से देखू तो मुझे नजर आ रहा है कि 4.5 महीने इनका शरीर और है, अभी खाने का शौक है, अभी लड़ती है। आपने बांट दिया, मुझे तो प्रसाद दिया ही नहीं, माफी चाहता हूं। जिसको मैंने बेवकूफी से दे दिया उसे वापस लेके आप, हाँ ले दो मुझे, ये भी वापस ना ले, ये भी कर ले दो, लेके उनके हाथ में रखता हूं तब उनको खुशी होती है। कितना शौक खाने का, और मैं सच्चाई से कह रहा हूं 4.5 महीने के बाद बुखार चढ़ना है, बुखार ज्यादा बढ़ जाएगा, बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन कितना मोह है, कितना वासना है, कितनी कामनाएं। मरने के दिन 80 साल 82 साल की उम्र होगी है, हैं? हाँ, कोई जाप का शौक नहीं, भजन का शौक नहीं, बिल्कुल। 82 साल की अम्मा टीवी के सामने बैठी है देखने के लिए, परे हो जाना दिए, मैं मैंने नजर नहीं पियांदा, वहां देवता क्या कहती होंगे, क्यों तुझे नजर रब नजर आना चाहिए कि इनके गीत गाने नजर आए, नाचो गाना नजर आए। परे हो जाना जरा पल्ला भी परे कर, मैंने नजर नहीं आ रही, कौन कह रही है 82 साल दादी। कितना रब और वो देवता हैरान होते होंगे कि कितना माइन्यूटली देख रही है, पल्ला परे करना अपना, आए मर गए, मर गए, मर गए। देख लो इस वृत्ति, माँ हमारी गुरु है, दादी दैट वेरी ग्रैंड मदर इज अवर गुरु। क्या बता रही है कि 82 साल तक भी इन वृत्तियों को मैंने भोगा पर रजी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में छोटी सी पंक्ति आती है,
अखी वेख न रजियां वो रंग तमाशे एक एक अंग के हमने बड़े बड़े लक्षण किए लगे रजी कोई भी ना आंखें रजी ना कान रजे ना मुंह रजे ना हाथ रजे ना वो गंदा अंग रजिया ना बाकी पैर रजे सब कुछ मनमानियां की तो हमें सेटिस्फेक्शन हुई नहीं। देख लो दुनिया को बंधन में या तो हम रज जाए तो बड़ी अच्छी बात है रजना ही नहीं। तीन तीन शादियां वो आया बैठा होगा बाबा अब तो मैं सत्संग कर रहा हूं तीन शादियां करके सत्संग में आया पहली शादी में मिट्टी पाई हाँ बाबा दूसरी शादी में अंगारे पाए हाँ बाबा तीसरी शादी में क्या पाए वो तो राख पाई आप सत्संग सुनने आ गए। उम्र तेरी कितनी 7-8 साल की अब देख लो अब कुछ पले नहीं रहा दमा लगा हुआ है और जो तीसरी शादी की है वो लंगड़ी सी है यूं यूं चलती है बेचारी ये मां का पुत्र राजपुरे से वो मुंह से निकल गया राजपुरे से लेके आ गया है। अब इस उम्र में पुत्र मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं आप सबको कि इतनी उम्र हो जाती है तो अभी वृत्तियां रजत की हम सेटिस्फेक्शन नहीं देती हाय ये सारे हमारे गुरु हैं। देखो भगवान आप जब तक इंसान को समझाए नहीं क्या पता लगेगा ना तो सही पर एक बार देखा ना जरा परे उठ के कितनी उम्र है बुढ़ी बुढ़ा कहां जा रही है भवन में नहीं बुढ़ी बुढ़ा सिनेमा हॉल जा रही है उम्र कितनी है और इनकी चाल देखना कैसे बुढ़े की चाल कैसे एक पैर लंगड़ा एक पैर आगे रखते एक पैर यूं कर फिर एक पैर फिर यूं और वो भी लाठी लेकर के इधर यूं यूं करके जा रही है किधर सिनेमा हॉल की ओर। पति की उम्र कितनी है 82 पूरे होंगे 83 पैर है पत्नी की उम्र कितनी है 79 पूरी है 80 में पैर है और जा कर है सिनेमा हॉल लगाइए अंदाजे इन्होंने सारी जिंदगी मिट्टी पाई होगी ना इस उम्र में भी सिनेमा हॉल। ओ मेरे रब्बा इंसान को जब तक ज्ञान ना आए कुछ नहीं पले मैं खुद हैरान माफ करना नीवा भाई नीचे वाल और है ऊपर और भी क्या भी कोई मुझे ये ना कहे कि क्योंकि वाल नहीं है देखिए जो उधर मन का हाल अमल जिसके अंदर भी है यज्ञ के सिवा कृष्ण की वाणी आपके स्नेह की वाणी वो दुनिया को बंधन में रखे सदा करो मनमानी बंधन ही बंधन उसको शौक है क्या मेरी टिंड ना हो हमें शौक होता है कि बड़े बड़े बाल ना हो हम राक्षस ना लगे हमें कटवाने का शौक है कटवाए क्या ही रख रहे उनको क्या रब ने पहले ही बाल सफा कर दिए उन्हें किसी नाई की जरूरत नहीं उससे जरूरत नहीं पहले ही कोई बीमारी ऐसी लगी है बाल चर हो चुकी है पर नहीं बाल चर नहीं ओपरे बाल पता खोते दे दे बकरी दे बाल यूं रखे हुए देख लो मन की बात है ना सारी हाय रब्बा मेरे ओए बिना समझाए नहीं इंसान ने समझना बिना आपको बार बार ना समझाया जाए तो आप दूर रहोगे भरी डिग्रियां आप लगाई फिरती हो मां दी थी बीए बीएससी एमए और लगा ले मां दी थी और लगा ले इससे क्या बनेगा हाय इससे क्या होगा हमें कुछ शांति मिल जाएगी नहीं जब तक मैं आपको बार बार कह रहा हूं भगवान के अनुसार जिंदगी नहीं कटती तब तक दुख ही दुख क्यों मन जवान रहना भर्तृहरि का वैराग्य सत्य पढ़ना वहां रो रहा है भर्तृहरि कि मैं देखता हूं तन मेरा बूढ़ा होता जा रहा है लेकिन मन तरुणायते शब्द देखिए तरुणायते मन तरुण अर्थात जवान होता जा रहा शरीर वृद्धायते और मन तरुणायते शब्द देखो क्या है मन में वासनाएं काम न मन में क्या क्या उठ रहा है आपके बड़े अच्छे भाग्य कि मेरे भगवान ने आपके लिए प्रबंध कर दिया गीता को समझने का बड़े प्रार्थना करके आते हैं भगवान जी इनको अपनाने का भी शौक पैदा कर दो कि मैंने अपनाना बड़ी आवाजें मारता हूं जैसे भगवान डोरा या ऊंचा सुनता है बड़ी आपके लिए जोर जोर की आवाजें मारता हूं भगवान जी इनको अपनाने का देना इनको ताकत दे दो ये अपना ले जीवन में कर ले ढाल लो मेरी बेटी ताकि ये मिट्टी का बुत जरा अच्छा हो जाए
ये मिट्टी भी सफल हो जाएगी। उधर रब ने कंडीशन लगाई है, एक न छोड़ा अभी जिसने, तन का कफस मगर कर लिए जेर तैशो बस, जिसका शरीर का पिंजरा भी छूटा नहीं उसे पहले जिसने अपने अंतःकरण का सुधार कर लिया। यू कह रही है मेरी बेटी, ओ मेरे बुजुर्गों मेरे बच्चों, शरीर के रहते हुए यह ठोस ला जिसने अपना सुधार कर लिया। सुधार का मतलब नेगेटिव क्वालिटीज को निकाल, और कुछ सुधार का मतलब नहीं जे, अगर कुछ और दिमाग में है तो फतूर है वो। सुधार का मतलब मेरी भगवती अपने नेगेटिव क्वालिटीज पर ओवर पावर आ जाना, उस पर हावी आ जाना। हाँ, जैसे हम सफा गंदगी पर हावी आती है झाड़ू से, पानी से, पोचे से, फिनेल से, हाँ इधर भी हावी आती है भगवान के प्रति श्रद्धा से, विवेक से और भक्ति से। उधर भी साधन चाहिए कमरा और आंगन साफ करने के लिए, इधर भी साधन चाहिए, और वो भगवान जी दे रहे हैं, वरना अंतःकरण सफा हो ही नहीं सकता। और भगवान कहते शरीर छोड़ने से पहले, जैसे आप अपने दफ्तर में स्कूल जाने से पहले घर की सब सफाइयां कर जाते हो, बच्चों को रोटी वोटी दे करके उनको दोपहर की रोटी भी उनके थैले में डाल जाती हो, श्रीमान के भी टिफिन कैरी उनको तैयार कर देती हो, अपना भी कैरी तैयार करके सारा कुछ कर लेती हो। भगवान भी कहते हैं कमलिया मरने से पहले अपनी तैयारी करके जाना। हाय हाय हाय, अपनी तैयारी का मतलब जो कुछ हमने अपने साथ अज्ञानता में किया है, सिंपली वी हैव टू रिमूव ऑल दोज बैड क्वालिटीज, जो हमें पता नहीं था ना ड्यू टू इग्नोरेंस, उसी को रिमूव करना, उसी को मिटाना, उसी को हटाना भगवान जी के उपदेश द्वारा। कोई तरीका होना चाहिए, सफाई के लिए भी कोई तरीका होना चाहिए, मेरे कपड़े मैले हो गए तो इसके लिए भी साबुन और पानी और सोटा होना चाहिए, कोई साधन होता है। इस तरह अंतःकरण जो हमने खराब किया साधन है भगवान की वाणी। आए कभी ना भूलना, मैं आपको भूलने नहीं, जब तक मेरा शरीर है भूलने नहीं दूंगा। तन को धो लो पानी से और मन को धो लो वाणी से, और कोई तरीका हमने तो देखा नहीं। बच्ची बेटी हमने और नहीं देखा, सजनों मेरे धार्मिक भाइयों, तन को धो लो पानी से, मन को धो लो कृष्ण की वाणी से, और वो भी शरीर छोड़ने से पहले। जैसे इम्तिहान देने से पहले तैयारी कर लो, दफ्तर में या स्कूल में जाने से पहले सारा कोई घर का धंधा बना लो, बच्चे को स्कूल भेजना, श्रीमान को भेजना, आपने भी जाना है, ये सारा कुछ कर लो। हाँ इधर भी थूथरा करके भगवान की वाणी को सुन के बात बनती तो बड़ी अच्छी बात है, सुन के बनती नहीं। ये बहुत बढ़ा चढ़ा के, ये तो व्यास जी ने लिखा है या किसी, ये बड़ा बढ़ा चढ़ के इतनी में बकवास कर रहा हूं कि जाओ गंगा में गोते मार के तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। एक बार भी तो कृष्ण ने गीता में कहा होता, एक बार भी चक्कर काटो चारों ओर, अगर आपका अंतर निर्मल हो गया, या निर्मल का मतलब वो नेगेटिव क्वालिटी चली जाए, इसको भगवान कहते हैं। फिर मैं आपको जगह जगह घुमा के लाता, जगह जगह चलो, क्योंकि इसमें तो बड़े मुश्किल पड़ती है, नहीं होता बच्ची, वो तो बार बार कह रही है, जो है मेरी तालीम पर कारबन करे नुक्ता चीनी को, जो नापसंद अकीदत से पाबंदी और बड़ी श्रद्धा से जो मेरी वाणी को अपनाए जा रही है वो कर्मों के बंधन से, ये आपके कृष्ण कह रहे हैं, ये आपके भगवान कह रहे हैं। आपका मन आपको धोखा देता है कि हम ये घुमाए उधर घुमाए इधर चक्र काटे, इससे बनेगा कुछ नहीं। घूमने का मतलब क्या आपकी काली वृत्तियां चली गई, क्या आपका मन एकाग्र हो गया, क्या आपका मन निर्मल हो गया, क्या आपका मन तली, तब घूमने का फायदा, तब तीर्थों पर जो तार दे वो तीरथ, क्या आप में वृत्तियां हैं वही, ये तैयारी होता है। मगर कर लिए जेर तैशु हवस काम क्रोध लोभ, जो जिसको मेरे भगवान कहते हैं क्या ये नरक के तीन द्वार हैं, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। अब इस ज्ञान के बिना तो मिट्टी पलीत है हमारी, जब तक ये समझाया ना जाए, हम रियलाइज ना करें और पक्का इरादा ना करें भगवान जी की वाणी को अपनाने का, धक्के ही धक्के, खा लो पी लो, मां बन जाओ, बच्चे बनाओ, पढ़ाई कराओ, बड़े हो जाओ, मर जाओ, फिर बीमारी लग जाएगी, मर जाए मिल जाएगा। पर लोग यूं बनता है, मैं आपको बार बार कहूंगा भगवान के वाणी से पर अपनाया जाए, जीवन में ढाला जाए, लो सुख दुख का मसला हल हो गया। अगर आप अपनाए जा रहे हैं तो सुख दुख का मसला हल होता जा रहा है, क्यों मन टिकता जा रहा है। जो जो भगवान की वाणी के अपनाने का मतलब नेगेटिव क्वालिटी को निकालना। अरे तूने वो लिया है क्या, तूने वो ले लिया बच्चे, तूने वो ले लिया, तूने वो ले लिया क्या त्रिफला, इससे क्या हो रहा है, आपका पेट साफ हो गया। पेट साफ होने का मतलब क्या है, दो दिन आपको शौच नहीं आया, तो खाए पिए के जो शौच बने वो सुद्धे बन गए, पत्थर की तरह मोटे बन गए,
ये जाके अंदर उन शुद्धों को हल करेंगे, पानी की तरह पतला कर देंगे और जोर का आपको शौच आके आपके अंतड़ियां साफ हो जाएंगी, पेट साफ हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा। ये जो दर्दे पड़नी है साइडों में, दर्दे नहीं पड़ेंगी। पेट साफ होने का मतलब क्या होता है? क्यों त्रिफला लिया हमने? दो दिन से बाबा शौच नहीं आया, मुझे मेरे गुरुदेव ने यूं समझाया है और मुझे मेरे आचार्यों ने यूं समझाया और मैं वही प्रसाद आपकी झोली में डाल रहा हूं। पेट साफ होने का मतलब खाया पिया का जो रिफ्यूज मैटर था उसे शौच बना। शौच वो आप बैठती है तुम नहीं शौच आता, दर्द तो जरूर होती है, दर्द क्यों? सुधे बन गए हैं, ककपत्थ सुधे बोलते पत्थर बन गए हैं। जोर तो मारता हूं लेकिन नहीं पेट साफ होता। फिर हमें लेना पड़ता है हिंदुस्तान का त्रिफला, त्रिफला ही बहेड़ा आंवला बराबर मात्रा में कुट के नमक काला कोला डाल के छान के रख लेती है। कोसे पानी से एक चमचा उसका ले लेते, भर लेते त्रिफले का और कोसे पानी का गिलास ले लिया, गिलास में फिर नमक डाल लो, फिर पी जाओ, फिर पी के जरा चलो इधर चलो और अपने पेडू को यूं यूं करो, कभी इधर हिला लिया कभी यूं हिला लिया, हिलाते रहे अंदर हल हो जाए। अब जाइए पेट आपका जोर का साफ हो जाए। क्या साफ हुआ? अंदर के शुद्धे हल हो गए, शुद्धे हल हो गए। हा अब बड़ा जोर का शौच आएगा जिसे फ्लश बोलते हैं, जैसे शौच करने के बाद आप फ्लश खींचती है, हाँ तो सारा सारा साफ, हमारा पेट भी फ्लश हो जाएगा। इसी तरह हम सत्संग में आती है, क्या भगवान की श्रद्धा, भगवान की भक्ति और भगवान के प्रति लगाव से क्या होता है? हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, अर्थात ये नेगेटिव क्वालिटी निकल जाए। जैसे उधर शुद्धे बन गए खाया पिया, इधर क्या होता है? ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये मर गए। तो भगवान की ज्ञान ही काम करता है, किसका? त्रिफले का। अंतःकरण को साफ करने के लिए भगवान की वाणी चाहिए, पेट को साफ करने के लिए जरूर भारत का त्रिफला चाहिए, उससे हमारे पेट की शुद्धि सारे साफ हो जाएगा, हमारा पेट नरम हो जाएगा, हमें जो वट पड़ रही है, दर्द हो रही है, वो नहीं होगी। ये बात याद रखना, भगवान की वाणी उसी तरह काम करती है जैसे त्रिफला पेट को साफ करने के लिए काम करता है। वाणी हमारे चारों को साफ करती है, बुद्धि को, मन को, चित्त को, अहंकार को। बाबा बाबा, बुद्धि को, मन को, चित्त को और अहंकार को, चारों ही निर्मल हो जाते हैं। अच्छा आप कहो हमारा मन निर्मल हो रहा है, भगवान खुद कहती है, और यदि आपका मन निर्मल हो रहा है तो संसार संबंधी संकल्प विकल्प घट गए होंगे या घट रहे होंगे। आह, जैसे पेट साफ हुआ तो जो वट पड़ रहे थे, सूल पड़ रहा था और हवाएं अब नहीं आएंगी, या गैस चल रही थी ऊपर और आपको जमाइयां आ रही थी, अंगड़ाइयां आ रही थी, अब नहीं आएंगी। अब क्या होगा? चुस्ती सफुर्ती है। अगर पेट साफ हो, चुस्ती सफुर्ती अंगड़ाइयां जमाइयां नहीं आएगी, गैस नहीं चढ़ेगी, बार बार आंखें आपकी बंद हो रही थी, अब नहीं होगा। अगर पेट साफ हो, गैस निकल गई। स्त्री अगर ये आप सही रूप में अपनाई जा रही गए, हाँ ये गंदी वृत्तियां जाएंगी, जो जो जाएंगी तो रब ने क्या लक्षण दिए हैं? ना हो उसको फिक्र चुनाव चुनी, संसार संबंधी संकल्प विकल्प नो मोर। अगर ये गंदी नेगेटिव क्वालिटी, ही भगवान ने बड़ा भला किया, वरना मैं अपने आप को रॉन्ग जज कर लेता, आप भी अपने आप को गलत अंदाजा लगा लेते कि मैं तो बहुत अपना गई हूं, मैंने तो बहुत अपना लिया। भगवान का ठीक है, क्या संसार संबंधी संकल्प विकल्प घटते जा रहे हैं? कोई क्या उनका बार बार चिंतन तो नहीं होता? नहीं होता तो भगवान का शुक्र मनाइए। अब आपका अंतःकरण निर्मल हो रहा है, संसार संबंधी संकल्प विकल्प ना हो, अब आपका मन शैल सुख दुख कैसी जाएगा भगवान की वाणी को अपनाने से? आपका मन क्या होगा? टिका रहेगा, मन में विक्षेपता नहीं होगी। मेरी माता हो, मेरी कल्याण कामनी देवी हो, मेरे सज्जनों हो, मेरे धार्मिक भाई हो, मन जो टिकाए रखता वाणी के बिना टिकेगा नहीं। कौन खुश नसीब जिसमें लाखों रुपया है भगवान तो नहीं मानते, जिसके माँ बाप अनुकूल है भगवान नहीं मानते, जिसके मन में विक्षेपता चली गई है वो है लक्की एनफ है, जिसका मन भटका नहीं रहा, जिसका मन शांत रहता है उसको मेरे भगवान कहते हैं बहुत खुश नसीब है। एज गुड लक वुड हैव इट है, वो है लक्की सोल जिसका मन टिका रहता है। याद रखना बच्चे, हमें तो गलत बताया गया, जो बहुत पढ़ा हुआ है, बड़ा कमाता है, पति पति अनुकूल है, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, घूमने फिरने के लिए कार है, ये इज लक्की। गलत, उनके अंतःकरण में बेचैनी है, बेकरारी है, डॉक्टरों के पास दवाइयां खाती है, रोग लगे हुए हैं, उनको हम क्या कहें? जिनका मन शांत रहता है, निश्चिंत है, केयर फ्री है,
हैप्पी गो लक्की लाइफ, हैप्पी गो लक्की, हैप्पी डैश गो डैश लक्की, हैप्पी गो लक्की लाइफ गुजार रहे हैं। कितने अच्छे शब्द बनाए अंग्रेजी में, हैप्पी गो लक्की। शब्द कहां से ढूंढ के लाए हैं ये, हैप्पी गो लक्की, अर्थात मौजी जीवन गुजारे जा रहे हैं। हैप्पी गो लक्की का अर्थ लगाना मौजी, मौजी जीवन गुजारे जा रहे हैं। वो है खुश नसीब, वो है मेरी बेटियां क्या बड़भागन, मौजी जीवन। चाहे घर में अटपैरी रोटी पके बेशक, चाहे मोटा खद्दर पाए बेशक, लेकिन अंदर वाला शांत। ये हमारी भारतीय संस्कृति कह रही है, ये हमारे प्रभु का ज्ञान कह रहा है। जो प्रसन्न रहता है उसमें भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, बड़ी कृपा, बड़ी दया मेरे प्रभु की हो रही है। जिसका मन टिका रहता है, क्यों टिकेगा उसको, जो भगवान की वाणी के अनुसार जीवन गुजार रहा, वाणी के अनुसार, मन के अनुसार नहीं। दूसरे शब्दों में जो मन मानी नहीं कर रहा, कृष्ण मानी कर रहा है, हाय उसके भागों को कितना सराहे थोड़ा, उसके भागों की जितनी हम सराहना करें थोड़ी, मेरी भगवती थोड़ी। जिसका मन टिका रहता है, शी आर ही इज मोस्ट लक्की, जिनका माइंड स्टैंड स्टिल, नो वेवरिंग, नो टॉसिंग, नो मिजरी एट ऑल, ये भगवान बता रहे हैं आपको। इस तरीके से अब आपका मन शांत रहेगा, चूंकि उसको टिकने का आधार मिल गया। टिका रहेगा भगवान में, टिका रहेगा महाराज जी से रस लेकर के, जैसे भंवरा टिका रहता है जब तक फूल में रस होता है, मजाले वहां से उठ जाए, चूसता रहेगा चूसता रहेगा, तो फिर तो 6 घंटे बाद रस चूसा जाए तो उड़ के उस और फूल पे जाना पड़ेगा, लेकिन मन को अपने भगवान को छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान के पास अनंत रस है। माँ के पास अंतवान रस था, पिता के पास अंतवान, पत्नी के पास अंतवान, अंत हो जाता है। भगवान के पास तो अनंत रस है, हाय अनंत, जिसका अंत ही कोई नहीं, नो एंड एट ऑल। इसलिए भगवान में मन टिका रहता है। ये मजा का बात है भगवान, जब गंदी वृत्तियां चली जाए, इतना जाप अभ्यास और भगवान के अनुसार अपने मन को धोया जाए, ये जो हमने भर लिए काम करो ये निकल जाए और मन शांत रहे। इसलिए रब ने कहा अपनी वृत्ति तो पहले रूपों में लगाए रखता था, उससे तो कामी क्रोधी लोभी बन गया, अब तू केवल मेरे में लगा, चूंकि रूपों का कारण मैं हूं। कदर करो मेरे भगवान के इस फरमान की, अगर सारी जिंदगी में खुश रहना है और कल्याण करके जाना, कितनी सी बात है भगवान की। सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको आसान है। मन ने सोचना है ना, भगवान के बारे में सोची कितनी लियाकत है। अगर और के बारे में सोचते मन को समझा, जैसे हम समझाई बैठे हैं, और के बारे में सोचते तो काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, अहंकार। या तो इनके बिना सोचो, कोई है माई का लाल जो भगवान को छोड़ के दुनिया का सोचे, लेकर काम साथ ना आए, क्रोध ना आए, मोह ना आए, लोभ ना आए। सोचो माँ के बारे में, मोह बढ़ेगा, सोचो पत्नी के बारे में, क्रोध काम बढ़ेगा, सोचो जरा मित्र के बारे में, एहसान बढ़ेंगे, मोह बढ़ेंगे। अगर भगवान को हमने बड़ा सोचा, बड़ी गहराई में गए मेरी देवियों, अगर भगवान को छोड़ते किसी और का चिंतन करते हैं तो ये गंदी वृत्तियां जरूर साथ हो जाएंगी, काम या क्रोध या मोह या लोभ या अहंकार या राग और द्वेष। नेगेटिव क्वालिटी मस्ट बी देयर। अगर आप भगवान को छोड़कर किसी और का चिंतन, सोचो ना या आने का लाभ उठाना मेरी देवी, मेरे मन में बहुत ये लगी हुई है लगन के आप गीता के आने का लाभ उठाए, वरना कोई फायदे को नहीं आने का, ये धर्मस्थान में जाने का या तीर्थों पे जाने का। अगर हम निर्मल नहीं होके आते, अगर हमारी वृत्तियां घट नहीं जाती, हमारा मन अंतर्मुख नहीं होता, या फायदे कुछ, मेरे कई बार कहा फिर आने कोई फायदा नहीं। मैं कभी भी देनेदार नहीं बनूंगा कृष्ण के दरबार में। मैंने कभी भी आपको प्रेफरेंस दी कि जरूर आइए जरूर, मैं उनमें नहीं हूं, मैं उनमें नाम लिखवा जाऊंगा जो सच्चाई की बात थोड़े शब्दों में खूब बता के गया। मैंने कभी भी बढ़ चढ़ की बात नहीं की, यहां जरूर आओ। आमतौर पर प्रचारक ये कभी नहीं कहेंगे आपको कि ना हो, और मैं गज वाट के कहता हूं अगर अपना आना नहीं तो रब दिशा ना हो, यही समय कहीं और लगाओ, क्योंकि ठोस लाभ ही नहीं। ये तो अपनाने से बात बनती है। कृष्ण का उपदेश सिर्फ समझना समझना नहीं, अपनाना, और अपनाने का मतलब गंदी वृत्तियों को निकालना। वरना मैं आपसे पूछूं अपनाने का मतलब क्या होता है तो आप जवाब नहीं दे सकते। अपनाना क्या होता है मां दीधिए, गंदी वृत्तियों को निकालना जो नेगेटिव क्वाल, और अपनाने का कुछ अर्थ नहीं थी। अगर मैं कृष्ण कृष्ण जप रहा हूं मेरे में फिर भी काम क्रोध है तो मैं ठीक नहीं जप रहा, मैं पखंडी बना हुआ हूं। कितना कृष्ण क्लियर करते हैं, हाय 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 हाय, कितना क्लियर,
इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, है न हस्ती कोई अपनी मिटाना कहीं। तब लाभ हो गया कि मेरे अज्ञानता से गंदी नेगेटिव क्वालिटीज भरी थी, अब भगवान का ज्ञान लेकिन को निकाल दिया। ये होता है अपनाना, ये होता है अपना पता लग गया क्यों मैंने इन गंदी वृत्ति को अपनाया, वो पता नहीं था अज्ञानता में कि इनका परिणाम ये होगा। अब परिणाम का पता लग गया और पता है कि ये गुड क्वालिटीज मैंने रखनी है, इनके परिणाम से मेरा लोक परलोक बनता है, और बैड क्वालिटी से इनको निकाल देना नकारात्मक वृत्तियों को। बस अब ये है अपनाना कि ये गंदी वृत्ति निकलती जाए, वह काम निकलता जाए, क्रोध निकलता जाए। तो ये कैसी होता है जब वृत्ति मालिक में लगी हुई कि मेरा कल्याण ही भगवान के चिंतन में है। आहा, चूंकि भगवान ही मुझे पूर्ण आनंद देती हैं, भगवान ही मेरी मुक्ति करते हैं, भगवान ही हमारा कल्याण करते हैं, इसलिए भगवान के बारे में विचार किया जाए, आहा सोचा जाए। वरना ये श्लोक मैं और आप कभी नहीं भूलेंगे, आजकल सवेरे चल रहा है, क्या लगाए जो महसूस अशिया से मन, जो मेरा चिंतन नहीं करेगा अर्जुन और नाम रूपों का चिंतन करेगा उसे गलती वृत्तियां बढ़ती हुई जायल हुई अकल आया उसकी बुद्धि मारी। ये बात इस सत्संग में पढ़ो और सुनो, अगर ऐसा है तब जाने का लाभ, और अगर आपका अंत का निर्मल नहीं हो रहा मां दी दिए पर ठोस लाभ कोई नहीं, ठोस लाभ ये निर्मल हो जाए, ठोस लाभ ये हट जाए। कुछ दिन पहले पर्दे थे मंदिर के, इसको दिए गए ड्राई क्लीनर को, हाँ काफी उसने फंड लिया, लेकिन वो जो आपके चिकन के सिर सुर के दाग थे वो तो उतने ही कुछ साफ लगे हुए। तो मैंने कहा जरा उनको बुलाना ड्राई क्लीनर को, ले आए भाई आपने इतना मांगा, हाँ मैंने ज्यादा मांगा, मैं तो रुपये लाए ज्यादा मांग लिए, डर गया भी कहीं बाबा ज्यादा नहीं, तो मैं तो वापस करने आया थोड़े थोड़े, नहीं मैं जो तूने मांग लिया बेशक बड़ा अच्छा किया, कोई बात तेरी रोटी ऐसी बनेगी, लेकिन ड्राई क्लीन का मतलब होता है दाग ना रहे, ये देख यार तू देखे तो करना, ये सारे दाग तो लगे हुए हैं, मुझे एक बार फिर दे दो, मैं ऐसा इन दागों को मिटा के लाऊंगा ना, कपड़ा जो 10 दिन हंडना है वो 4 दिन ही रहेगा, आप मुझे दे दो, मैं ऐसा केमिकल को लगाऊंगा जरा मुझे दो। अगर कराया गया ड्राई क्लीन फिर भी दाग रह गए, हाय आए भगवान की वाणी सुनने के लिए, मैं उस वक्त मेरा मन अंतर्मुखी होकर कुछ कहने लग गया था और फिर भी दाग रह गए। जैसे आप हैरान होंगे ड्राई क्लीनर को दिया और फिर भी दाग, ड्राई क्लीनर का मतलब ही पेट्रोल से दाग हटा दे, या नहीं तो जिसने का दाग है वहां पर पेट्रोल और एक केमिकल और होता मिला के रगड़े ब्रश के साथ तो दाग मिट जाते हैं, फिर वैसे के वैसे आ जाए। इतना शर्मिंदा हुआ बेचारा, इसको मुझे दे दो ना, मैं कल ले आऊंगा, इनको धोके दोबारा प्रेस करके ये तो सारे दाग नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम सत्संग में आए भगवान की वाणी सुने फिर भी बेदाग ना हो, मैं इसलिए कहता हूं यह आने का लाभ तब है जब बेदाग हो जाए। और दाग क्या है, सिर्फ यही तो है नेगेटिव क्वालिटी काम बोलो भंकार, ये हटते हैं भगवान की वाणी से, यौन दंध जपी जा रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इससे क्या फायदा होगा, इससे तब फायदा हो जब बेदाग हो जाऊं, ओए मैं समझ गया, ओ मैं समझ गया। हमारे स्मृतियां निकले भगवान बार बार गीता जी में कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं इनको हटो इनसे निकालो, तब भगवान कहते हैं अब वो मेरे दिव्य दर्शनों के योग्य है, अब वो मेरे काबिल है। गीता में पता नहीं कितनी बार भगवान ने मांगा है, हाँ भगवान से मांगते हैं, भगवान ने खुद मांगा है, क्या अपने दोनों हाथ यूं करके भगत से यूं किया, मुझे कुछ देना चाहते प्रभु जी आपको दू, हाँ तू क्यों आया, भगवान अपने कल्याण के लिए भजन करना चाहता हूं तो मुझे कुछ दे दे, ये तो शब्द मुझे खा गए भगवान के, या तार गए या खुश कर गए, क्या दे देना मुझे, फुकवा दिया आप है ही आपको सब कुछ, नहीं ऐसी जबानी जमा बातें ना बना मुझे दे। कितनी हैरानगी होती, भगवान मांगे भिखारी बन के, भगवान मांगे भिक्षुक बन के, भगवान बैगर बन रही है, मुझे दे ना तेरा कल्याण तब होगा जब दे, प्रभु मैं तो हैरान हूं आप मांग क्या रहे हैं, हाँ है तो सब कुछ आपका, ऐसे नहीं तू मुझे दे, हाय क्या दूं, मन और बुद्धि मेरे सुपुर्द कर। गीता जी में कितनी बार कह रही है कि मन और बुद्धि मेरे हवाले कर, मन में केवल मेरा चिंतन, बुद्धि में मेरा इरादा, कितनी बार गीता में आया है ये, गीता का अर्थ क्या लगाओगे इसका, सब कंटे छोड़ और ले मेरी, मांगा के दामन में मेरी पना,
इसका अर्थ क्या है? पुनर्पीर भगवान का, भगवान के को मन दे देना, भगवान में बुद्धि में, बुद्धि में भगवान का निर्णय ले लेना, मन में भगवान के विचार लेना, मानो बुद्धि और मन भगवान को दे। फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, इसके बाद भगवान कहती है मेरा वसल पाएगा तू लाख, अब तू मेरे दीदार के काबिल हो जाएगा। फिर करके देखे, मैं तो ये चाहता हूं मेरे से ज्यादा शौक आपके मन में हो जाएगा, अब मैं करके देखू, अब मैं भी माँ भी धी नहीं किसी खोते भी धीया, अगर मैं कहता हूं यू बनो, अब मैं भी करके देखूंगी कि भगवान कहते मन बुद्धि मेरे हवाले कर, तू मेरे दीदार के काबिल। आए आए आजमाओ अपने रब को, रब के वचनों को, गीता को, गीता के फरमान को आजमाओ। इसके बोलते हैं जिज्ञासा, इसे बोलते हैं तड़प, इसके बिना काम चलता ही नहीं ना। आजमाया हम जब रब ने कहा तो मैं आजमाऊंगा, मैं ऐसे ही अपनी अवस्था बनाने की चेष्टा करूंगा, फिर या आने का लाभ, बेदाग हो जाएंगे। जो बेदाग हो गया बस वो लोक भी बना गया, परलोक भी बना गया। अब आप शांत, आपका मन टिका रहेगा। बेदाग होने वालों का मन टिकता है, जिनमें काम भी है वो आपको बेचैनी पैदा कर देगा, फिर लोभ आता है फिर आपको धक्के देगा बाजारों में, गलियों में, मोहल्ले में, विदेश जाने के लिए इनके लोभ है। लोभ सब पापों का बाप, और अभी आपकी चिंता ही नहीं गई भगवान की वाणी सुनकर, तो क्या करेगी? आपको जाप नहीं करने देगी चिंता, मानसिक सबसे बड़ा रोग चिंता, आपका मन एकाग्री नहीं होगा, फिर फायदा क्या हुआ यहां आने का? अगर ये हमारे दाग लगे हुए, फिर लाभ क्या हुआ? फिर मन आपका कैसे संतोष रहेगा? यही तो वैरी है मन की शांति के। हाय हाँ, परेशान ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख न आए सदा उसको दुख। ये कह रही है आपकी भगवती गीता, ये कह रही है आपके सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में। क्या लाभ हुआ फिर? परेशान ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख न आए सदा उसको दुख। और जो इसको अपनाने वाला है, आह रंग चढ़ा गया, अपना जीवन सफल कर गया। बस अब सुख दुख क्या है? भगवान की वाणी के अनुसार मन को टिका लेना सुख है, और मन मानी करना दुख ही दुख, सरासर दुख है। का से हाथ तक दुख है, एड़ी से चोटी तक दुख है, अगर हम भगवान की वाणी नहीं अपनाते। पर आप सारे आ रहे हैं, इसलिए मैं प्रेम पूर्वक कहूंगा अपनाने की चेष्टा करो, ताकि गंदी वृत्तियां निकल जाए और आपका अंतःकरण निर्मल हो जाए। निर्मल अंतःकरण टिका रहता है, और बादाग अंतःकरण बेचैन करता है, क्योंकि दाग इसकी ये बेचैन करती है। कौन? काम हुआ, क्रोध हुआ, मोह हुआ, लोभ हुआ, अहंकार हुआ, और ज्यादातर बेचैन करने में राग हुआ, द्वेष हुआ, अट्रैक्शन रिपल्शन, यू कैन से रगबत नफरत, ये हमें मन को हिला देती है। अब ये हटेगा भगवान की वाणी से, महाराज जी के उपदेश से, और कोई तरीका ही कोई नहीं इनको हटाने का, और कोई उपाय भी कोई नहीं। इसलिए भगवान बार बार जोर देती है, बार बार अपनाने के लिए कहती है, बार बार आपको कह रहे हैं मेरी मैया, मेरी नेक बेटी, कि भगवान की वाणी को समझ के फौरन अपना लो, फौरन जी। सिर्फ पढ़ना पढ़ना नहीं है, पढ़ने से कोई नहीं कल्याण होता, पढ़ने के बाद गणी हाय मेरे रब्बा हुई कि मेरे भगवान ने ये कहा है, बस मुझे ऐसे बनना है। पढ़ने के बाद गणे, भगवान ने कहा है ना। घर में पिताजी क्या कह रही है, ए मुन्नी, ए मेरे भैया, मुझे प्यास लगी है पानी लाओ। वो दोबारा कहा, मुझे प्यास लगी है पानी ले आओ। अरे क्या कर रहे हो तुम? बहन बैठी हुई है, भाई बैठा, मां बैठी, मां मैं ऊपर से मानो आया दरवाजा खोल के घर में, तो आपने सुना नहीं क्या? पिताजी क्या कह रहे, मुझे प्यास लगी है पानी लाओ। बहन तुमने सुना नहीं? और भैया क्या मेरे पिता तुम्हारे पिता ने? भागो। कितनी उठती है, माफी मांगती है, पिताजी पता नहीं हमारा ध्यान कहां था, मुझे प्यास लगी, मैं 2-3 बार कह चुका हूं। कितना रोती है, हम माफी मांगती है, तो क्या भगवान आवाजें नहीं मार रहे आपको? भगवान बार बार नहीं कह रहे? ऐसे मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया, जैसे घर में पिता कहते हैं तो भागती है, जाओ ना बाजार में जाके सब्जी लाओ, जो आ गया पिताजी। तो भगवान भी तो इसी तरह कह रहे हैं, कल्याण चाहती हो ना, ऐसा कर लो, हाय ऐसा बना लो, ओए होए ऐसा कर लो। मैं 2-4-5 दिनों के बाद ये पूछने लगा हूं आपसे, क्या आप मुझे जवाब देना या मन में रखना, कौन सा श्लोक आपने पूरा अपना लिया है? 700 श्लोक है,
मुद्दत से आप तशरीफ ला रही हैं, मुद्दत से मेरी दीदियां पधार रही हैं, किस श्लोक को आपने पूर्ण रूप अपना लिया? श्लोक छोड़ दो परे, बारहवें अध्याय के गुण भगवान ने भक्तों में बताया, बारहवें अध्याय में कौन से गुण को आपने अपना लिया? ये तो भगवान को जवाब दो, भगवान सपने में आ जाए और आप प्रणाम करें तो जी मेरी गीता अच्छी लगी। हाँ प्रभु बहुत मीठी लगी, आपको बड़ी कृपा। कौन सा अध्याय अच्छा लगता है? भगवान जी बारहवां अध्याय। बारहवां अध्याय में क्या अच्छा लगा? प्रभु भक्तों के गुण तुम पढ़ते हो। अगर मानो भगवान सपने में आ जाए, ये मेरे स्वामी जी ने कहा था, सपने में आ जाए और आपसे पूछे भगवान जी भक्तों के गुण बड़े बड़े अच्छे लगेंगे। अच्छा हाँ मेरे प्रभु, मैं सच्चाई से कह रहा हूँ, हाँ मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो भक्तों को अच्छे लगेंगे। कौन सा गुण अच्छा लगा है? प्रभु फलाना, वो तूने अपना लिया। बताओ क्या जवाब दोगे? हाय हाय, यह है प्रैक्टिकल गीता। सिर्फ इतना ही प्रश्न कर दे, कौन सा गुण अच्छा लगा? फला, क्या तेरे जीवन में आ गया? क्या आप तपाक से कह सकती हो कि प्रभु यथामति यथाशक्ति मैंने अपना लिया? क्योंकि आगे व्यास जी कहती हैं, जिसने गीता का आदर श्लोक भी अपना लिया बाकी सारे गुण आ जाएंगे। श्लोक अर्धेन, ये उनका फरमान है मेरी भगवती, श्लोक अर्धेन, आदर श्लोक भी जीवन में आ गया। एक गुण भी तो अपनाओ जो भक्तों गुण है, तेरहवें श्लोक से लेकर बीस श्लोक तक एक गुण तो अपने आप से कहो, क्या भगवान सपने में आ जाए और कहीं गीता सुन रही है, सुन रहे हैं आप बड़े प्रेम सुनती, हाँ कौन सा गुण अच्छा लगा फलाना, तो अपना लिया, क्या जवाब? जीवन में उतार लिया, क्या जवाब? एक तो अपना लो बस, बाकी खिंच के आ जाएंगे, बाकी खिंच के आ जाएंगे। अगर आपके घर का लड़का मैं छिपा के रख लूं, कहा बाबा कहीं भी रख लूं, फिर क्या होगा? मेरा सारा परिवार भागेगा हमारा, हमने रोटी चाहे ना पेशाब करने का दिल करेगा, ना चौल करने का पीछा, कुछ भी हो भागे रहेंगे। हमारा लड़का कहा? एक लड़का रख लिया, सारा परिवार धक्के खा रहा, गली में जा रहा सारा परिवार, एक लड़का रखा। इसी तरह ये शब्द विवेकानंद के थे कि अगर किसी का एक लड़का रख लिया जाए सारा परिवार चक्कर काटता है, अगर भगवान का एक फरमान भी ले लिया जाए सारे श्लोक वहां जाती है। आजमा के देखो ना, अब आप पूछोगे ये बातें कितनी कल्याणकारी है, क्योंकि एक बच्चे के साथ सारे व्यवस्था है, माँ की भी जान निकलती है, बाप की भी, और अपनी बहनों की, भाई को, आए मेरे भाई, आए मेरे पुत्र, आए मेरे काका, आवाज ही मारती पुत्र पागलों की तरह, क्योंकि वन इज कनेक्टेड विद सो मेनी कनेक्टेड विद वन। इस तरह गीता का फरमान एक श्लोक के साथ बाकी है और बाकी एक के साथ कनेक्टेड है। एक तो अपना ले, बड़ा अच्छा दृष्टांत स्वामी जी का, बड़ा अच्छा दृष्टांत, अपना लेना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।